ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकिनारा, परिंदों का दुनिया का दरवेश हूं मैं, साहिन बनाता नहीं आशियाना। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पक्षी राज के बारे में, आसमान के बादशाह के बारे में। जो बाज है, बाज जिसे हम पक्षी राज कहते हैं, इसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका पूरा जीवन एक मोटिवेशन है। प्रकृति ने सभी पक्षियों की संरचना लगभग एक जैसी बनाई है, दो पैर, दो पंजे, चार से पांच उंगलियां, गर्दन और दो पंख। किसी भी पक्षी के चार पंख नहीं होते, लेकिन इन सब से अलग हटकर एक नया मुकाम हासिल किया है बाज नामक पक्षी ने, जिसे हम ईगल या साहिन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते ना, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। ध्यान रहिए, पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और को नहीं होती। गणित की बात करूं दोस्तों, तो मैं ये लगभग ये स्पीड होती है 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है वो जो पक्षी, अपनी मादा पक्षी अपने बच्चे को ले जाती है, और इस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसे समय लगता है तकरीबन 7 से 9 मिनट। इस मुकाम पर पहुंचकर वह एक परिस्थिति में स्थिर हो जाती है, और फिर यहां से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अभी तक यह बताया नहीं गया कि उसे क्यों पैदा हुआ है। अब उसे बताया जाता है कि तू जिंदगी में क्यों पैदा हुआ है, तू बादशाह बनने के लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म सबसे ऊंचा है। फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को हवा नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल पे आने के बाद वो जो चूजा है, वो जो बच्चा है बाज का, उसके पंख जो कंजाई से जकड़े वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। ये उसके जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा अपना पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग वो 3000 मीटर दूर है, यानी 3 किलोमीटर दूर, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा है। हाँ, अब बिल्कुल करीब आता है धरती के, जहां से वो लगता है कि अब उसकी जीवन खलास होने वाला। डिस्टेंस है 700 से 800 मीटर। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर अब उसे लगता है कि उसका जीवन की ये अंतिम मात्रा है। अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा है उसकी मां का, जो उसके साथ चिपक कर उड़ रही थी, और ये बाज के चूजे की पहली ट्रेनिंग थी, और ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता। ये ट्रेनिंग बिल्कुल एक कमांडो की तरह होती है, हाई प्रेशर एंड मैक्सिमम रिस्क। जब तब जाकर दुनिया को एक साहिन, एक बाज मिलता है जो वायु की दुनिया का अघोषित बादशाह होता है। फिर एक समय आता है जब साहिन अपने से 10 गुना अधिक वजन वाले प्राणियों का शिकार करके उसको हवा में उड़ाकर ले जाता है। दोस्तों हमारे हिंदी में कहावत है कि बाज के बच्चे मुंगेर पर नहीं उड़ते। तो ये जो बाज अपने बच्चों को चिपका कर रखिए, पर एक साहिन की तरह उन्हें दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए, उन्हें लड़ना सिखाइए, तभी वो जीवन में सफल होंगे। फिर यही बाज जो है इसकी औसत आयु होती है 70 वर्ष। जब ये बाज 40 वर्ष का हो जाता है, इसकी चोंच मुड़ जाती है, वो शिकार को निगल नहीं पाता, पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, उड़ना काफी कठिन हो जाता है, पंजे अधिक मुड़ जाते हैं, वो शिकार को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। अब उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो जीवन को त्याग दे, या तो गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर जीने लगे, और तीसरा जो रास्ता है वो सबसे कठिन और पीड़ादायक है, लेकिन बाज उस सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ते को चुनता है। वह पहुंच जाता है एक ऊंचे से पहाड़ पर, और वहां एकांत में बनाता है अपना घोंसला, और फिर उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है। चोंच उसका सबसे बड़ा हथियार, चोंच उसका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वो उसको तोड़ देता है। अपने
फिर वो चोंच के उगाने का इंतजार करता है। इसके बाद वो अपने पंजों को तोड़ता है, वह पत्थरों पर घसड़ घसड़ कर प्रहार करके अपने पंजों को तोड़ता है और वह इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। नए पंजे उगाने के बाद वह एक एक करके अपने सभी पंखों को अपने शरीर से अलग करता है और इंतजार करता है अपने पंखों के उगाने का। डू यू नो फ्रेजन कि इस प्रक्रिया में कुल कितना समय लगता है? 10, 20, 30 दिन? नो, 150 दिन, यानी कुल पूरे 5 महीने का समय लगता है। और फिर उस बादशाह का होता है पुनर्जन्म। इसके बाद वह 30 साल और जीता है उसी ऊर्जा, उसी सम्मान और उसी गरिमा के साथ। तो दोस्तों, हम मनुष्य के जीवन में भी यही होता है कि लगभग तकरीबन 40-45 पे पहुंचने के बाद हमारा जीवन जो थकान से, निराशा से भर जाता है, हिम्मत हार जाती है। तो दोस्तों, यही समय है अपने आप को फिर से ऊर्जावान बनाने की, फिर से जन्म लेने की। लेकिन इससे हमको एक और चीज सीखने को मिलती है। ये जब मैंने बाज के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक और बात उभर के आई कि बाज 40 वर्ष की उम्र पे अपने जो पंजों को, चोंच को घिस रहा है, यही प्रक्रिया अगर रोज करे तो उसके लिए आसान ना हो जाए। ये मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको किसी ने नहीं बताया, वो मैं बता रहा हूं कि जब भी आपके जीवन में थोड़ी सी भी जंग लगे उसे घिसिए, आपके शरीर पर आलस्य आए उसे दूर कीजिए, तो ही आप बादशाह बने रह सकते हो। यदि आपको बादशाह बनना है, राज करना है, तो बाद से सीखना होगा, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से लोद लड़ना होगा, अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखना होगा, तभी आप बन सकते हो सफल।